हेलो, कैसे हो बच्चों? तो पिछली क्लास में हमने दूसरा वीडियो है, पहले वीडियो आपने देख लिया होगा और आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आई है ना? यस। तो पहली वीडियो में हमने क्या बताया था? आपको बताया था कि एक नेचुरल नंबर होता है, एक होल नंबर होता है और एक इंटीजर होता है, ठीक है ना? इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर भी होता है और निगेटिव इंटीजर भी होता है, ये बात हमने बताई थी। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देखें और फिर इसे दूसरा वीडियो देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो आज हम आगे बात करते हैं और एक नए प्रकार बात करते हैं कि नंबर पहले हमने जो सीखा था वो पूरा पूरा था। पहले जो हमने सीखा था वो पूरा पूरा था, नंबर पूरी, एक गाड़ी, एक पेन, है ना, एक साइकिल, एक ब्रेड, ठीक है? लेकिन अगर सपोज एक ब्रेड है या एक पेज है और पेज को हम दो टुकड़ों में तोड़ दे, उसे बीच में से ब्रेक कर दे, उसे टियर कर दे, ठीक है, और उसे फाड़ दे, तो फाड़ने के बाद क्या होगा? उसमें एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर, तो एक टुकड़े को क्या कहेंगे? अब बताइए, है ना? आधा कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक आपके पास ये एक पेज था और आपने इस पेज को दो टुकड़े कर दिए, छोटा ही पेज बनाते हैं, जगह कम लगेगा, है ना? ये एक पेज था। आपने इसको क्या किया कि यहाँ बीच से ऐसे ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया बीच से, ठीक है? वृक्ष अगर आपने तोड़ दिया इसको तो ये दो टुकड़े हो गए, तो इस आधी टुकड़े को हम क्या कहेंगे? इस आधी टुकड़े को क्या कहेंगे बताइए? आधा। आधी टुकड़े को क्या कहेंगे? आधा। तो ये है थोड़ा सा जाती है। चलो इसको कर देता हूँ। ये जो है बराबर बराबर लगभग दिख रहा है, ठीक है? तो एक को हम कहते हैं, इसको कहेंगे, इस टुकड़े को जो आधा हमें दिख रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे आधा, हाफ। पहले पूरा था और ये हो गया आधा, है ना? तो इस टुकड़े को हम कहेंगे पूरे को, इसको हाफ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना? तो ये हाफ क्या है? ये हो गया हाफ, ये भी एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये हाफ। अच्छा, कोई कहता है कि ठीक है, ये तो हाफ हो गया, अगर मैं इसको भी और आधा कर दूं, इसको आधा कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा? ये आधा कर दूं इसको तो ये क्या होगा? इसको और आधा कर दूं तो ये जो टुकड़ा मिल रहा है इसको क्या कहेंगे? तो ये पहले आधा था और उसका ये आधा हो गया, है ना? ये आधा और हो गया, तो आधा का आधा कितना हो गया? 1/4। ये हो गया 1/4, ये 1/2, 1/4। इसी तरीके से तो ये नंबर्स किस फॉर्म में है? ये एक का आधा था, ये एक का चौथाई था, ऐसा आपने छठी क्लास में सीखा होगा निश्चित रूप से, ठीक है? ऐसे नंबर लिखने में कुछ ऊपर में भी एक नंबर है और नीचे में भी एक नंबर है, इसे हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या कहते हैं इसको? रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। कैसा है ये, किस तरह के नंबर है ये? ए नंबर इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है? क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ये वन और टू क्या है? पी के जगह पर क्या है? वन। क्यू के जगह पर क्या है? टू। इसमें पी के जगह पर क्या है? वन। क्यू के जगह पर क्या है? फोर। तो ये वन और फोर और टू ये सब क्या है? ये सब इंटीजर है। तो हम बोलेंगे कि वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इंटीजर्स कॉल्ड रैशनल नंबर, इनको हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। इन नंबर्स इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स कॉल्ड रैशनल नंबर्स।
तो कौन कौन से नंबर ऐसे हो सकते हैं? अभी आपने देखा 1/2 हो सकता है, क्या 3/4 भी हो सकता है? हो सकता है। ये पूरा और ये दोनों कलर मिला दें तो ये 3/4 हो जाएगा। 1/4 छोड़ के बाकी जो है चार हिस्से अगर इसके हो गए तो ये दो हिस्सा यहाँ है और एक हिस्सा यहाँ है, तो 3/4 हो गया कलर पोर्शन। इसी तरह से कोई भी नंबर इस फॉर्म में हो 2/3, 2/3 कैसा होगा? तो 2/3 होगा कि हम ये एक नंबर लें, ये एक बनाए, ठीक है, और इसके हमने दो टुकड़े कर दिए। 2/3 क्या हुआ देखो, ये और ये, ठीक है। और इसको हमने कर दिया थोड़ा। अब देखो ये तीन टुकड़े थे, ये तीन थे, तो तीन में से ये जो दो हिस्से अगर ले लें तो ये कहलाएगा 2/3। 2/3 तीन हिस्से में से ये ऊपर वाला कितना हो गया? दो, तो इसको हम कहेंगे 2/3, ठीक है ना। तो ये हो गया 2/3। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो 2/3 भी हो सकते हैं, 3/4 भी हो सकता है, -2/3 क्या ये भी हो सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए? पी एन क्यू आर इंटीजर्स, और इंटीजर्स कैसे होते हैं? इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और इंटीजर निगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये हो सकता है कि 2 पॉजिटिव भी हो सकता है और 2 निगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर ही तो होना चाहिए। और इंटीजर होने के लिए हमारा कंडीशन है कि पी एन क्यू आर इंटीजर, ये नहीं कहा जा रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो इस तरीके से कोई भी नंबर -4/5 ये भी हो सकता है ना। तो 2/-3 ये भी हो सकता है, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। बट ऐसा नीचे में निगेटिव ना लिख करके हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 2/3, -2/3, दोनों चीजें सेम, ये और ये दोनों सेम, इसमें कोई अलग कहानी नहीं है, ये है निगेटिव 2/3। तो क्या 5 रैशनल नंबर है? हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि इसको डेफिनेशन के हिसाब से 5 इंटीजर तो है लेकिन पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। तो नीचे हम एक 1 लिख सकते हैं, 1 तो लिख ही सकते हैं, तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब नंबर इज इन फॉर्म ऑफ, नॉट ओनली इन फॉर्म ऑफ बट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ये कह सकते हैं। तो डेफिनेशन होगा कि नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो उसको हम इंटीजर कह सकते हैं। -4, यस, -4/1, तो ये सब जो है इंटीजर है। 0, यस, 0 भी रैशनल नंबर है क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, है ना, तब भी 0 होगा। तो ऑल आर रैशनल नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, 0 और वो सारे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके जिसमें पी और क्यू इंटीजर हो, उनको हम कहेंगे रैशनल नंबर, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो इस तरीके से ये नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब जैसे देखिए, ये दो बच्चे हैं, है ना, ये दो बच्चे, अगर मैं कहूं कि दो में से एक गुम जाए, ठीक है, तो कितने बच्चे रह जाएंगे? दो में से एक गुम जाए तो एक रह जाएगा, एक रह जाएगा, तो क्या कहेंगे? उनकी संख्या आधी रह जाएगी। दो बच्चे में से एक बच्चा कहीं चला जाए तो एक रह जाएगा, कितने में से? दो में से। तो जो में से है वो नीचे है, ये पूरा हिस्सा को, पूरी संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें से ऊपर जो है उसको वो कहता है वो एग्जिस्टिंग प्रेजेंस, ठीक है ना। तो एक का प्रेजेंस है दो में से, तो इसलिए इसको 1/2 कहते हैं। एक है कितने में से? दो में से, तो इसको 1/2 कहेंगे। इसी तरह से अगर 3/7 कहें, इसका मतलब 7 में से 3, ठीक है, आउट ऑफ 7, 7 इज ए कंप्लीट, एंड व्हाट इज द प्रेजेंस? प्रेजेंस इज 3 आउट ऑफ 7, 3 आउट ऑफ 7, दैट इज 3/7। इसी तरह से -2/5, अब ये तो प्रेजेंस है नहीं, अब आप सोचोगे कि 5 में से 2 का प्रेजेंस, लेकिन माइनस साइन क्यों दिया है? ये निगेटिव एक कंसेप्ट है, होता नहीं है, बट 5 में से 2,
ठीक है ना, ये समझे। निगेटिव तो सिर्फ कंसेप्ट की बात है। तो इस तरीके से ये रैशनल नंबर होते हैं, ये सब रैशनल नंबर है, जीरो भी रैशनल नंबर है, और ये सब जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर कहे जाएं। तो इनका नाम रैशनल क्यों पड़ा, इनका नाम रैशनल क्यों पड़ा? रैशनल जो है ये रेशियो है, कंपैरिजन है, थ्री का किसके साथ कंपैरिजन है, सेवन के, और कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, रेशियो। तो रेशियो का ये RATIO आ गया, रेशियो, और उसी से बना है रैशनल, नेचुरल का जैसे होता है वैसे ही ये रेशियो में है, इसलिए इसका नाम है रैशनल। तो रेशियो, रैशनल नंबर, बिकॉज इट इज ए रेशियो ऑफ टू नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, ये है टू नंबर्स का रेशियो है, टू नंबर्स का रेशियो है, इसलिए इसको कहते हैं रैशनल नंबर। तो इसको फिर क्यू से, आर से क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं भाई? क्यू से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं, कोसेंट, QUOTINT, TINT, कोसेंट, कोसेंट का क्यू लेते हैं क्योंकि डिवाइड करते हैं, तो इसमें कोसेंट जो होता है वो कोसेंट है नहीं यहाँ पे, इसलिए कोसेंट के लिए क्यू का, कोसेंट जो होता है वो क्यू है। और रैशनल, प्योर रैशनल नंबर में नोमरेटर हमेशा डिनोमरेटर से छोटा होता है, ऊपर वाले को कहते हैं नोमरेटर, इसको कहते हैं नोमरेटर, ठीक है, और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमरेटर, डिनोमरेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमरेटर, तो इसलिए इसको कहते हैं, इसमें कोसेंट जो होता है वो हमेशा नहीं होता, कुछ भी कोसेंट नहीं होता, मतलब जीरो होता है, ठीक है। थ्री को सेवन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताइए, थ्री को सेवन से डिवाइड करेंगे तो जीरो, इसलिए ये कोसेंट जो है इसमें जीरो रहता है, और इसको कहते हैं प्योर रैशनल नंबर्स। अब आप सोचेंगे क्या 17/6 को हम रैशनल नहीं कहेंगे, रैशनल कहेंगे, इसको भी रैशनल नंबर कहेंगे, लेकिन इसमें जो होता है ये मिक्स्ड फॉर्म है रैशनल नंबर का, इसको आप लिख सकते हो टू सही टू बाई टू सही 5/6, ठीक है ना। तो इसमें कोसेंट जो होता है वो होता है टू, है ना। तो ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर जो होता है वो इस फॉर्म का होता है, ठीक है ना, इस फॉर्म का होता है। इन सब में ये है प्योर रैशनल नंबर जो है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, और इन फॉर्म में हम लिखते हैं रैशनल नंबर को, कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ये, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर नहीं है ये, है मिक्स रैशनल नंबर, मिक्स्ड रैशनल नंबर, मिक्स रैशनल, ठीक है ना, नंबर। इसमें क्यों मिक्स रैशनल है, क्योंकि हमने इसको एक ऐसे लिखा है टू सही 5/6, और ये है रैशनल फॉर्म, रैशनल फॉर्म। तो रैशनल नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जब भी कहीं रैशनल नंबर की बात होगी तो हमें इसी फॉर्म में लिखना है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे एग्जाम हो, चाहे कहीं भी हो, ठीक है। अब सवाल है कि रैशनल नंबर एक एक ही होते हैं, यूनिक होते हैं, या उसके जैसा और भी होता है? तो एक शब्द होता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। क्या होता है इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? जैसे मैं ये लिख दूं कि 1/2, इसी के इक्विवेलेंट दो में से एक है तो चार में से दो हुआ, है ना। जैसे दो भाई है, एक चॉकलेट घर में आया, तो दो चॉकलेट आए घर में से, दो भाई हैं, तो पहला भाई कितना लेगा, एक। अगर चार चॉकलेट आया, आधा आधा देना है, तो एक को कितना मिलेगा, दो। अगर छह चॉकलेट आया तो कितना मिलेगा एक को, थ्री। तो इस तरीके से छह में से तीन की वही रेशियो है जो चार में से दो है, जो दो में से एक है, जो 10 में से 5 होगा आधा, है ना, 8 में से 4 होगा, 20 में से 10 होगा, है ना, 50 में से 25 होगा, एटसेट्रा। दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, नंबर्स। ये सब सेम है, ये रैशनल नंबर सारे के सारे सेम है।
अगर नंबर लाइन पे मैं अगर इसे ड्रॉ करूं तो ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो एक ही जगह पे रिप्रेजेंट होंगे। ये देखो, ये है 0 और ये है 1, मान लेते हैं। तो 1/2 इसके बीचों बीच में होगा आधा। 1/2, 2/4 भी यही है, 3/6 भी यही है, सब यही आएंगे। ठीक है ना, कि 1 में से 1 और 4 में से 2, 3/6, ऑल आर कमिंग हेयर ओनली। ठीक है ना, तो ये है 3/6 भी यहीं पे आएगा और 10/20 भी यहीं पे आएगा। ये सारे नंबर इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हर एक रैशनल नंबर का नंबर लाइन, इसको कहते हैं नंबर लाइन, नंबर लाइन पे एक यूनिक पोजीशन होता है। एवरी रैशनल नंबर हैज यूनिक पोजीशन ऑन नंबर लाइन सिस्टम। पोजीशन ऑन नंबर लाइन सिस्टम, ठीक है, नंबर लाइन पे एक यूनिक पोजीशन होता है। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि ये है -1, तो यहाँ होगा तो क्या होगा, -1/2 होगा। 0 और 1/2 के बीच में फिर क्या होगा, 1/4। इधर 0 और -1/2 के बीच में क्या होगा, -1/4। तो हर एक नंबर का एक पोजीशन होता है नंबर लाइन पे, और नंबर लाइन पे उसकी पोजीशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो एक ही पॉइंट पे सारे नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो सारे कहलाते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। क्या कहलाते हैं, इन सब के लिए एक ही पॉइंट, ठीक है ना, तो इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। उसी तरह से 1 के इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, 2/2, 4/4, 10/10 एटसेट्रा। ये सब क्या है, ये भी 1 के इक्विवेलेंट है। 2/2 इज ऑल्सो 1, 4/4 इज ऑल्सो 1, 10/10 इज ऑल्सो 1। तो ये सारे भी उसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है ना, अब कई लोग ये पूछते हैं कि क्या रूट में कोई चीज होती है तो रैशनल नंबर है कि नहीं। जैसे लिखा हो √4, तो √4 इज व्हाट, इनफैक्ट इट इज 2, एंड √4/1 दैट इज 2/1। सो ये इक्विवेलेंट है, ये और ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैज द सेम पोजीशन, सो इट इज ए रैशनल नंबर। देयरफॉर इट इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर हो गया। √4 रैशनल नंबर हो गया। ठीक है ना, इसी तरह से अगर हम ये कहें कि √9, तो ये भी क्या लिख सकते हैं, √9 को हम लिख सकते हैं 3/1, है ना। √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1, 9/1, 3/1, एंड इट इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। अच्छा ये बताओ, √4 -√4/1 लिखा हो तब भी इसका मतलब हुआ -2/1, ये भी हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, लेकिन √3 ये नहीं है, इसका स्क्वायर रूट आराम से नहीं हो सकता, तो ये हम कहेंगे कि नॉट रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, √3/1 तो लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर p इंटीजर नहीं है, तो दिमाग में ये रखना है कि √3 रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है ना, तो ये जितने भी रैशनल नंबर होते हैं उनका नंबर लाइन पे एक यूनिक पोजीशन होता है। इरेशनल नंबर का भी यूनिक पोजीशन होता है हर एक लाइन पे। आगे हम बताएंगे कि √3 का पोजीशन कहाँ होगा, वो नंबर लाइन पे पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी चूंकि ये डेफिनेशन जो हमारा है, और उस डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि नंबर मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ p/q एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, एंड देयरफॉर देन ओनली इट इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर। तो p और q इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। √3 में ये इंटीजर्स नहीं है, √3 इंटीजर नहीं है, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो रैशनल नंबर जो नहीं होता उसको क्या कहते हैं, जैसे ऐसा तो बहुत सारा होगा, आप कहेंगे कि तो ऐसा तो बहुत सारा हो सकता है। यस, हो सकता है, जैसे √5 है, √8 है, √7 है, ये सब क्या है, √5, √8, है ना, √8,
√7 है ना, इस तरीके का √10, इस तरीके का ये सब जो है, ये दीज आर नॉट रैशनल नंबर्स। अभी बताएंगे क्या कहते हैं इनको, लेकिन फिलहाल कहते हैं नॉट रैशनल नंबर्स, ये रैशनल नंबर्स नहीं है। जबकि √4, √9, √25, √36, √81 एटसेट्रा आर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। नोट कर लो इसको, है ना, समझ आई बात? आगे बात सुन में, जिसका रूट स्क्वायर रूट आराम से निकल जाए वो रैशनल है, जिसका ना निकले यानी इंटीजर के फॉर्म में वो ना आ सके उसको हम रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ आ रही बात कि नहीं? हाँ, तो इसको नोट कर, हाँ समझ गए, इसको अच्छे से सीख लीजिए और अगली क्लास में फिर हम मिलते हैं तो हम इस पे क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे समझ गए आई होप। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कहें, ठीक है ना, ताकि वो लोग भी इसको देख के समझ सकें।